सर्जिकल स्ट्राइक पर हमारा देश दो हिस्सों में बट गया है। एक हिस्सा देश के जाबाज सैनिकों को नमन कर रहा है, भारतीय सेना के शौर्य को प्रणाम कर रहा है, तो दूसरी तरफ वैसे लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर ही शक कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अगर फर्जी स्ट्राइक गैंग कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये लोग ना सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताकर सेना का अपमान कर रहे हैं बल्कि देश के सिर को भी झुका रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत आने के बाद भी कुछ नेताओं के चेहरे लटके हुए हैं, वो अभी भी सेना की कार्रवाई को अपनी राजनीतिक फायदे के हिसाब से तोड़ रहे हैं। मुझे मेरी सेना पे गर्व है, मेरे जवानों पे गर्व है। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक ने एक बार फिर पूरे देश में राजनीतिक खलबली मचा दी है। कांग्रेस समेत तमाम बीजेपी विरोधी पार्टियां सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत देख लेने के बाद भी अपना विरोधी सुर बदलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने तो कहा कि बीजेपी सेना के शौर्य और पराक्रम का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। कि हमारे साहसी सैनिकों के बेशकीमती बलिदान को मोदी सरकार व भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए वोट बटोरने का साधन नहीं बना सकते। जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी पर लश्करे तैयबा से उनको सर्टिफिकेट मिला, आज जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है जल्दी ही उनको भी लश्करे तैयबा या पाकिस्तान के किसी आतंकवादी संगठन का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। साल 2016 में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बयान कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक की घटना के दौरान उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी कहा था और सबूत सामने आने के बाद भी वो सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी ही बता रहे हैं। जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है और तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हाँ सचमुच इस प्रकार का कोई अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को लक्ष्य करने के। आप देश की सुरक्षा का राग अलाप रहे हैं, कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे मोदी जी, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। और मुझे अब आरोप लगाना है जो मोदी जी का 4 सालों का लगभग 49 महीनों का जो कामकाज देखिए, तो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ये पूरी सरकार ही फर्जी है। कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी ने भी साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। अब सबूत मिल गया लेकिन सुर राजनीतिक ही है। यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। अभी कल CNN वाले एक रिपोर्ट चला रहे थे, उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पत्रकार कह रही थी कि पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहाँ ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दिखा रहे थे कि देखो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है, लोग अपना रह रहे हैं, यहाँ तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा गोलाबारी जैसी कोई सबूत ही नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार नहीं हुआ है, सालों से हो रहे हैं और सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सेना करती है, नौजवान करते हैं, इसके ऊपर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कांग्रेस के ज़माने में हो रहे थे तो मैं नहीं मानता कि मनमोहन सिंह जी जाते करते थे, और अगर अब हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी जाके करते हैं। तो सेना का मामला सेना पर छोड़ा जाए, उसके ऊपर राजनीति ना करी जाए। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात तो मानी लेकिन राग छेड़ दिया कश्मीर का। एक अहम सवाल मैं बीजेपी से करना चाहूँगा कि सर्जिकल स्ट्राइक को तो हम मानते हैं, मैंने उस वक्त भी कहा कि हाँ हुआ है। 2016 में 88 हमारे सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए, 2017 में 83 मारे गए, 2018-17 जून तक अब तक 40 हमारे सिक्योरिटी आर्मी पर्सनल मारे गए। बीजेपी ये बताए कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी इतने हमारे सिक्योरिटी पर्सनल क्यों मारे जा रहे हैं? बीजेपी ने भी साफ लफ्जों में कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस समेत वो सभी लोग देश और सेना से माफी मांगी जिन्होंने 2016 में सवाल उठाए थे।
जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उस समय कांग्रेस पार्टी और इन लोगों ने कहा था कि भाई आप प्रूफ दिखाओ। सेनाओं के ऊपर में सवाल उठाते हैं, सेनाओं को कहते हैं कि तुम इसको प्रूफ दिखाओ, और जब इसका कोई एविडेंस प्रूफ सामने आता है तो फिर कहते हैं कि तुम पब्लिसिटी कर रहे हो। इस तरह का जो काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका कोई एहसास है कि नहीं कांग्रेस पार्टियों को? एक ऐतिहासिक भूमिका भारत की सेना की है, ये सेना देश की है, इसका कभी भी ना तो राजनीतिकरण होना चाहिए ना राजनीतिक प्रचार में इसको लाना चाहिए। सबूत देखने के बाद भी राजनेता राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हमेशा हर मुल्क की सरहदों पर होती हैं, कोई निराले तो है नहीं। हम हर देश अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए सब करते हैं, पहले भी बहुत होती रही हैं, लेकिन ये क्योंकि सीक्रेट एक्शन होता है और ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के तहत सही है गलत है ये तो मैं नहीं जानता, थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेकिन ये सीक्रेट अटैक्स होते हैं, इनको कितनी पब्लिसिटी करना चाहिए मोदी जी ज़्यादा बेहतर जानेंगे। क्या सारी आज जब देश की आर्थिक स्थिति चरमा रही है तो आप सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी करें, राजनीतिकीकरण का हम विरोध करते हैं और शौर्य का जवानों के प्रणाम करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में सेना के शौर्य पर गर्व करने के बजाय राजनीति की जा रही है। आतंकवादियों से लोहा ले रहे सुरक्षा बल के साथ आज पूरे देश को खड़े होने की जरूरत है। दिल्ली से विशाल पांडे और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।